तो लगभग 10,000 रुपये में हमारा ये पीसी पूरा बिल्ड हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे ये पीसी बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रहा है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके बायोस में हमने इसमें i7 प्रोसेसर लगाया है। तो आज के इस वीडियो में हम बिल्ड करने वाले हैं एक सबसे सस्ता पीसी i7 प्रोसेसर के साथ। तो इन सभी कंपोनेंट्स का यूज़ करके आज के इस वीडियो में मैं बिल्ड करूँगा एक सबसे सस्ता पीसी i7 प्रोसेसर के साथ। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम पीसी बिल्ड करते हैं स्टार्ट। तो वीडियो का कंटिन्यू करने से पहले मैं आपसे भी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज के इस वीडियो में मैं इन सभी कंपोनेंट्स का यूज़ करके एक सबसे सस्ता i7 का पीसी बिल्ड करने वाला हूं। तो पीसी बिल्ड शुरू करने से पहले मैं आपको इन सभी कंपोनेंट्स के नाम बता देता हूं। तो पीसी बिल्ड करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे इस H61 मदरबोर्ड का। ये एक H61 मदरबोर्ड है। तो इनमें से गाइस मैंने मोस्टली कॉम्पोनेंट्स यूज्ड परचेज करे हैं। तो इस H61 मदरबोर्ड को अगर आप न्यू परचेज करेंगे सो डैट विल कॉस्ट यू अराउंड 3,000 रुपीज़। और अगर आप इसे सेकेंड हैंड या कहे यूज्ड अगर आप परचेज करते हैं तो लगभग 1,500 से 2,000 रुपये में आपको ये मदरबोर्ड मिल जाएगा। तो इन सभी कंपोनेंट्स का परचेजिंग लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट सेक्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप इन सभी कॉम्पोनेंट्स को परचेज कर सकते हैं। और यह है हमारा H61 मदरबोर्ड। और पीसी बिल्ड करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे इस 710 ग्राफिक्स कार्ड की। और यह है हमारी DDR3 रैम 1333 MHz की। और यह है हमारी 1 TB की इंटरनल हार्ड डिस्क। और इसके अंदर है हमारा i7 प्रोसेसर। तो आप देख सकते हैं ये i7 2600 का प्रोसेसर है। और इस प्रोसेसर को मैंने नेहरू प्लेस से परचेज़ किया है लगभग 3,000 रुपये में। तो यह है हमारा इंटेल का i7 प्रोसेसर। यह है 450 वॉट का SMPS। और यह है कूलिंग फैन। और यह है थर्मल पेस्ट। और यह है IO प्लेट। और यह है हमारा मॉनिटर। ये 15.4 इंचेस का ये मॉनिटर है। इस मॉनिटर में आपको VGA और HDMI दोनों का ही सपोर्ट मिल जाता है। और इसके अंदर है हमारा कैबिनेट। और यह है एक VGA केबल। और यह है कीबोर्ड। और यह है माउस। तो आज की इस वीडियो में हम इन सभी कंपोनेंट्स का यूज़ करके एक सबसे सस्ता i7 का पीसी बिल्ड करने वाले हैं। तो इनमें से कुछ कंपोनेंट्स मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है और कुछ कंपोनेंट्स मैंने दिल्ली के नेहरू प्लेस मार्केट से परचेज़ किया है। तो इन सभी कंपोनेंट्स का परचेजिंग लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ कॉमेंट सेक्शन में दे दूँगा, तो उस लिंक की मदद से आप इन सभी कॉम्पोनेंट्स को परचेज़ कर पाएंगे। तो चलिए गाइस विदाउट एनी डिले हम पीसी बिल्ड करते हैं शुरू। तो सबसे पहला स्टेप है कि हमें इस मदरबोर्ड में इस प्रोसेसर को लगाना है। कैसे लगाना है मैं आपको दिखा देता हूं। तो सबसे पहले हम मदरबोर्ड के कैप को करेंगे ओपन। अब यहां पर आप एक मार्क देख पा रहे होंगे, इस तरफ एक ट्रायंगल का मार्क दे रखा है। आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे, इधर एक ट्रायंगल का मार्क है, एक छोटा सा ट्रायंगल का मार्क है। और इसी प्रकार से एक मार्क हमारे इस प्रोसेसर में भी दिया गया है। इधर एक मार्क दिया गया है, ट्रायंगल का एक छोटा सा मार्क है इस तरफ। तो आपको क्या करना है, सिंपली इन मार्क को मैच करके इस प्रोसेसर को बिठा लेना है इस मदरबोर्ड के ऊपर। तो इस प्रकार से आपको लगा लेना है इस प्रोसेसर को मदरबोर्ड में। प्रोसेसर लगाने के बाद सिंपली आप इस प्रकार से इस कैप को कर लेंगे बंद। तो आप देख सकते हैं हमने इस मदरबोर्ड में प्रोसेसर को लगा लिया है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब हम इस प्रोसेसर के ऊपर लगा लेते हैं इस थर्मल पेस्ट को। तो इस थर्मल पेस्ट की मदद से टेम्परेचर काफ़ी मेंटेन रहता है इस प्रोसेसर का। तो आपको बिल्कुल थोड़ा सा थर्मल पेस्ट आपको इस प्रकार से इस प्रोसेसर के ऊपर लगा लेना है, बिल्कुल थोड़ा सा लगाना है। तो हमने इस मदरबोर्ड में लगा लिया है इस प्रोसेसर को, और प्रोसेसर के ऊपर हमने लगा लिया है इस थर्मल पेस्ट को। तो अब हम लगा लेते हैं इस मदरबोर्ड में इस CPU कूलिंग फ़ैन को। तो कैसे लगाना है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर इस मदरबोर्ड में आप देख सकते हैं 4 होल दिए गए हैं, इस प्रकार से 4 होल है।
तो इन होल्स में आपको सिंपली इस फैन को लगा लेना है। तो इस फैन के चारों तरफ आप देख सकते हैं चार पिन दी गई है इस प्रकार से, तो इन पिन को आपको इन होल्स के अंदर लगा लेना है। तो आप देख सकते हैं हमने सीपीयू कूलिंग फैन को भी मदरबोर्ड में लगा लिया है। अब इसकी केबल को आपको लगाना होगा इस मदरबोर्ड में। तो कहाँ लगाना है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस मदरबोर्ड में यहाँ पर आप एक सॉकेट देख सकते हैं चार पिन वाला। तो इस सॉकेट के आगे लिखा है सीपीयू फैन वन, आई होप आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा है सीपीयू फैन वन। तो इसी सॉकेट में लगेगी इसकी वायर। तो इस प्रकार से आपको इस सीपीयू कूलिंग फैन की केबल को आपको इस मदरबोर्ड में लगा लेना है। तो आप देख सकते हैं हमने मदरबोर्ड में प्रोसेसर लगा लिया है, प्रोसेसर के ऊपर थर्मल पेस्ट भी लगा लिया और हमने सीपीयू कूलिंग फैन को भी लगा लिया है। तो अब हम इस मदरबोर्ड में लगा लेते हैं रैम को। तो ये मदरबोर्ड सपोर्ट करता है DDR3 रैम। तो ये 1333 मेगाहर्ट्ज़ की DDR3 रैम है। तो ये एक स्टिक 8GB की है। और ये मदरबोर्ड गाइस, ये जो H61 मदरबोर्ड है ये 16GB तक रैम सपोर्ट करता है। तो चलिए अब हम इस मदरबोर्ड में लगा लेते हैं इस DDR3 रैम को। तो रैम आपको कैसे लगाना है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये रैम जो स्टिक है ये लगेगी इधर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रैम में एक कट है, ठीक है। और इसी प्रकार से एक कट जो है हमारे इस मदरबोर्ड में भी दिया गया है। तो इन कट्स को मैच करके आपको सिंपली इस रैम को इंसर्ट कर लेना है इस मदरबोर्ड में। तो जब ये रैम प्रॉपरली लग जाएगी, इसके जो लॉक है दोनों तरफ, ये लॉक अपने आप लग जाएगा और आप एक क्लिक की साउंड भी सुन पाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमने रैम भी लगा लिया है। तो इस मदरबोर्ड में आप दो स्टिक लगा सकते हैं, तो हम इसमें इस दूसरी स्टिक को भी लगा लेते हैं। तो गाइस इन सभी कंपोनेंट्स का परचेजिंग लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा। तो उस लिंक की मदद से आप वन क्लिक में इन सभी कंपोनेंट्स को परचेज कर पाएंगे। तो इस मदरबोर्ड में हम 8GB की रैम ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो अब हम इसमें लगा लेते हैं ये 4GB की रैम। तो जैसे आपने इस रैम को लगाया सेम उसी प्रकार से आपको इस दूसरी रैम को भी लगा लेना है। तो आप देख सकते हैं दोनों लॉक लग चुके हैं अच्छे से। तो अब हमें ज़रूरत पड़ेगी हमारे कैबिनेट की। तो आप देख सकते हैं काफ़ी स्लिम है ये कैबिनेट। तो इस कैबिनेट को मैंने परचेज़ किया है लगभग 1600 रुपये में। ये कैबिनेट मुझे इस SMPS के साथ ही मिला है। तो अब हमें इस कैबिनेट में बिठाना होगा इस मदरबोर्ड को। आप देख सकते हैं काफ़ी स्लिम ये कैबिनेट है। तो अब हमें इधर लगाना होगा इसकी IO प्लेट। ये IO प्लेट मदरबोर्ड के साथ ही मिलती है। तो हमने इस IO प्लेट को लगा लिया है कैबिनेट में। अब हम इस मदरबोर्ड को भी इंसर्ट कर लेते हैं इस कैबिनेट के अंदर। तो अब हमें इन स्क्रूज की मदद से इस मदरबोर्ड को कैबिनेट में कस देना है। तो आप देख सकते हैं हमने इस मदरबोर्ड को कैबिनेट में बिल्कुल प्रॉपरली बढ़िया से लगा लिया है। तो अब हम इन केबल्स को लगा लेते हैं जो फ्रंट पैनल से जो निकल रही है इस कैबिनेट के। इन सभी केबल्स को अब हमें लगाना होगा इस मदरबोर्ड में। तो ये फ्रंट पैनल से आ रही है, ये आप देख सकते हैं फ्रंट पैनल से ये सभी केबल्स आ रही हैं। तो अब हम लगा लेते हैं इस USB केबल को। ये USB की केबल कहाँ लगेगी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर इधर दिया गया है USB का सॉकेट। सॉकेट के जस्ट नीचे लिखा भी है USB 1, ठीक है। तो इधर लगेगा हमारी ये USB की केबल। ये सभी केबल्स गाइस मैं दोबारा से बता देता हूँ, इस कैबिनेट के फ्रंट पैनल से आ रही है, ठीक है। तो अब हम इस USB की केबल को लगा लेते हैं इस मदरबोर्ड में। तो सिंपली आपको इस सॉकेट में लगा लेना है इस USB की केबल को। इस प्रकार से आप लगा लेंगे, ओके। तो आप देख सकते हैं हमने इस फ्रंट पैनल से निकल रही USB की केबल को लगा लिया है इस मदरबोर्ड में। अब हम लगा लेते हैं इस ऑडियो की केबल को भी। जी हाँ,
तो ये है ऑडियो की केबल, ये केबल भी फ्रंट पैनल से आ रही है इस कैबिनेट के। तो ये केबल लगेगी इधर इस वाले सॉकेट में, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है ऑडियो वन, इस सॉकेट के जस्ट नीचे ही लिखा है ऑडियो वन। तो इस सॉकेट में हम लगा लेते हैं इस ऑडियो की केबल को। ओके, तो आप देख सकते हैं हमने ये यूएसबी की केबल और ये ऑडियो केबल लगा लिया है इस मदरबोर्ड में। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कैबिनेट के फ्रंट पैनल से ये 5-6 केबल कुछ आ रही है। तो इन केबल्स को आपको कहाँ लगाना है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इन केबल्स को लगाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी इस यूज़र मैनुअल की। तो ये जो यूज़र मैनुअल है, ये यूज़र मैनुअल मदरबोर्ड के साथ ही मिलता है। तो यहाँ पर इस यूज़र मैनुअल में आप देख सकते हैं इस तरफ कि आपको केबल कैसे लगानी है। तो यहाँ पर पूरा चार्ट दे रखा है कि कौन सी केबल किधर लगेगी। सिंपली आपको इस चार्ट को फॉलो करके इन सभी केबल्स को लगा लेना है। तो सिंपली इस चार्ट को फॉलो करके आपको इन सभी केबल्स को लगा लेना है इधर, आप देख सकते हैं इस मदरबोर्ड के बिल्कुल एज में ही इधर एक सॉकेट दिया गया है। सॉकेट में 9 पिन का सॉकेट दिया गया है एकदम एज में ही मदरबोर्ड के। तो इस सॉकेट में ही लगेगी हमारी ये सभी केबल्स। तो आप देख सकते हैं गाइस, हमने फ्रंट पैनल से निकल रही सभी केबल्स को हमने इस मदरबोर्ड में लगा लिया है। तो आप देख सकते हैं हमने मदरबोर्ड में फ्रंट पैनल से निकल रही सभी केबल्स को लगा लिया है। अब हम इस कैबिनेट में लगा लेते हैं SMPS को। तो ये है एक 450 वॉट का SMPS। तो इस SMPS को अब हमें लगाना होगा इस कैबिनेट में। तो आपको बढ़िया से कस लेना है इस SMPS को इस कैबिनेट में। अब हम इसके केबल को भी लगा लेते हैं। आप देख सकते हैं ये केबल जो आ रही है यहाँ से आ रही है, यहाँ पर अंदर से इस कैबिनेट के अंदर से ही यही से केबल आ रही है। और इस प्रकार से आपको इस केबल को लगा लेना है इस SMPS में। अब हम इस हार्ड डिस्क को लगा लेते हैं। ये एक 3.5 इंच की इंटरनल हार्ड डिस्क है। तो इस हार्ड डिस्क को कैबिनेट में लगाने के लिए आपको इन क्लिप्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये क्लिप्स हमें इस कैबिनेट के साथ ही मिला है। तो आप देख सकते हैं इस हार्ड डिस्क में, ये जो 3.5 इंच की हार्ड डिस्क है, इन हार्ड डिस्क के यहाँ पर साइड में छोटे छोटे होल्स दिए गए हैं। तो इन होल्स में आपको इन स्टिक्स को लगा लेना है। इसी प्रकार से आपको इस दूसरी स्टिक को भी लगा लेना है। तो चलिए अब हम इस हार्ड डिस्क को लगा लेते हैं इस कैबिनेट के अंदर। इधर हार्ड डिस्क का कंपार्टमेंट दिया गया है, तो आप देख सकते हैं हमने इसमें हार्ड डिस्क भी लगा लिया है। SMPS और हार्ड डिस्क हमने दोनों इस कैबिनेट में लगा लिया है। अब हम इन SMPS की केबल्स को लगा लेते हैं इस मदरबोर्ड में। तो SMPS से गाइस पावर सप्लाई होता है थ्रू आउट ऑल द कॉम्पोनेंट्स। तो सबसे पहले हम इस 24-पिन केबल को लगा लेते हैं। ये केबल कहाँ लगेगी, ये इस तरफ लगेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक 24-पिन का सॉकेट दिया गया है। तो इस ही सॉकेट में इस केबल को हमें लगाना है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग बढ़िया से देख पाए। तो इस 24-पिन केबल को इस प्रकार से आपको इस सॉकेट में लगा लेना है। और अब हम इस 4-पिन केबल को लगा लेते हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं ये ATX 12 वॉट का ये सॉकेट है। आपको सिंपली, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली आपको इस केबल को लगा लेना है। अब हमें इस हार्ड डिस्क में देना होगा पावर। तो SMPS का काम ही है गाइस कि आपके सभी कंपोनेंट्स में पावर देता है। तो अब इस SATA केबल को आपको लगाना होगा इस हार्ड डिस्क में। ओके, तो आप देख सकते हैं हमने इस SMPS से इस हार्ड डिस्क में भी पावर दे दिया है और इस मदरबोर्ड में भी पावर दे दिया है। और अब हम इस मदरबोर्ड को इस हार्ड डिस्क के साथ कर लेते हैं कनेक्ट। ठीक है, अभी तो हमने सब कंपोनेंट्स में पावर दिया है SMPS से। अब हम इस मदरबोर्ड को भी इस हार्ड डिस्क के साथ कर लेते हैं कनेक्ट।
तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी इस साटा केबल की। ये साटा केबल भी हमें मदरबोर्ड के साथ ही मिली है, तो सिंपली आपको इस साटा केबल को लगा लेना है इस वाले सॉकेट में। तो अब हम इसके दूसरे एंड को कनेक्ट कर लेते हैं मदरबोर्ड के साथ। तो इसका दूसरा एंड लगेगा इस पोर्ट में। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मदरबोर्ड में 4 साटा पोर्ट दिए गए हैं। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 साटा पोर्ट दिए गए हैं। तो इनमें से किसी भी पोर्ट में आप इस साटा केबल को लगा सकते हैं। इसके दूसरे एंड को लगा लेते हैं इस सॉकेट में। ओके, तो आप देख सकते हैं हमारा पीसी लगभग बिल्ड हो चुका है। तो आप देख सकते हैं हमने SMPS से मदरबोर्ड में पावर दे दिया है और SMPS से हमने इस हार्ड डिस्क में भी पावर दे दिया है और हमने इस हार्ड डिस्क को इस मदरबोर्ड के साथ भी कनेक्ट कर लिया है। अब हम इसमें लगा लेते हैं हमारे इस 710 ग्राफिक्स कार्ड को। तो ये ग्राफिक्स कार्ड लगेगा इस मदरबोर्ड के PCI स्लॉट में। ये PCI स्लॉट कहाँ पर है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है इस मदरबोर्ड का PCIe स्लॉट। तो इस स्लॉट में आपको लगाना होगा इस ग्राफिक्स कार्ड को। तो आपको बढ़िया से केबल मैनेजमेंट करने के बाद सिंपली आपको इस कैबिनेट को कर लेना है बंद। तो आप देख सकते हैं हमारा ये सबसे सस्ता पीसी जिसमें हमने लगाया है इंटेल का i7 प्रोसेसर, वो पूरा बिल्ड हो चुका है। तो चलिए अब हम इस CPU को सबसे पहले हम कनेक्ट करते हैं मॉनिटर के साथ और उसके बाद हम देखेंगे क्या ये CPU प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। तो गाइस मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, अगर आप भी इन सभी कंपोनेंट्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में इन सभी कंपोनेंट्स का परचेजिंग लिंक मैं शेयर कर दूंगा। तो उस लिंक की मदद से आप वन क्लिक में इन सभी कंपोनेंट्स को परचेज करके अपना खुद का एक पीसी बिल्ड कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हम इस VGA केबल को लगा लेते हैं इस मॉनिटर में। तो इस VGA केबल की एक एंड लगेगी इस मॉनिटर में और दूसरा एंड लगेगा इसका इस CPU में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा PC बिल्कुल रेडी हो चुका है। हमने इस मॉनिटर और इस CPU में दोनों में ही पावर दे दिया है और दोनों को ही हमने साथ में कनेक्ट कर लिया है विद द हेल्प ऑफ VGA केबल। तो चलिए अब हम इस कीबोर्ड और इस माउस को भी लगा लेते हैं हमारे इस PC के साथ। तो चलिए अब हम इस CPU को करते हैं ऑन। तो आप देख सकते हैं हमारा ये PC ऑन हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ये PC बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अभी हमने इस PC में विंडोज़ को इंस्टॉल नहीं किया है। यहाँ पर मैं आपको इसका BIOS दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ये PC बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रहा है। इस PC में हमने i7 का प्रोसेसर लगाया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड है 3.4 GHz। तो यहाँ पर आप सभी स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं इस PC की। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं हमारा ये PC बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब हमें इस PC में बस विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना होगा। इस पर गाइस मैं पहले से ही एक वीडियो बना चुका हूँ कैसे आपको विंडोज़ 10 प्रो ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना होता है अपने न्यूली असेंबल्ड PC में। तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया है कैसे आपको विंडोज़ 10 प्रो ऑपरेटिंग सिस्टम को पहले तो डाउनलोड करना होता है, डाउनलोड करने के बाद कैसे आप अपने PC में विंडोज़ 10 प्रो को इंस्टॉल कर पाएंगे। तो इस वीडियो का लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा। और अगर इस PC के प्राइस की अगर हम बात करें तो लगभग 10,000 रुपये का खर्चा मुझे आया है इस PC को बिल्ड करने में। इस PC के लिए कुछ कंपोनेंट्स मैंने ऑनलाइन मंगाए थे और कुछ कंपोनेंट्स मैंने दिल्ली के नेहरू प्लेस मार्केट से परचेज़ किया था। तो लगभग 10,000 रुपये में हमारा ये PC पूरा बिल्ड हो चुका है। तो गाइस आज की इस वीडियो में आपने सीखा कैसे आप खुद से एक PC बिल्ड कर सकते हैं। तो गाइस इस PC में वाईफाई कनेक्टिविटी के लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं इस वाईफाई डोंगल का। ये वाईफाई डोंगल 150 से 200 रुपये में आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन भी मिल जाएगा। तो सिंपली इस वाईफाई डोंगल को आपको लगाना होगा इस CPU के USB स्लॉट में।
तो इस वाईफाई डोंगल की मदद से आप इस पीसी में वाईफाई का भी यूज़ कर पाएंगे। तो गाइस आज के इस वीडियो में आपने सीखा कैसे आप खुद से घर पर एक पीसी बिल्ड कर सकते हैं। तो अगर आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो और अगर आज की वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो, प्लीज़ आज की इस वीडियो को करना लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आज की इस वीडियो को करना शेयर। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि हम आपके लिए डेली ऐसे लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन भी जरूर दबा देना ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं गाइस बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।